हूँ आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 BS6 के मैं बात करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिमांड और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये बाइक, तो इस वीडियो में इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए तो इस बाइक के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर जितनी भी चीज़ें अभी तक मेरे पास सारी आ रही, क्योंकि देखो यूज़र जो है, जितने भी मतलब व्यूअर है वो काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। मैं देखता हूँ इस वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ निकलते हैं, तो फिर इसलिए इस वीडियो पे इस क्यों ना इस बाइक पे के बारे में ही टॉपिक पे बात करी जाए। तो देखो यार, ये जो बाइक है काफ़ी अभी तक मैं जैसे कि तुम लोग को बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है, जबकि ये बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि पता नहीं कब है क्या है। रॉयल एनफील्ड से बार बार यही रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ तक ये पहुँच वीडियो पहुँच जाए, बाइक शेयर कर दो, अगर वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए तो मज़ा आ जाएगा। कम से कम उन्हें पता तो चल जाए कि यार लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस बाइक को लेके। बात कर जाए तो इस बाइक के इंडिकेटर्स के अंदर आपको फुली LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, जो कि इसके अंदर, और देखा जाए तो वहीं पे इसके अंदर आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाएगी। ये जो बैटरी होती है, जैसे कि तुम लोग हमेशा से जानते हो, काफ़ी बेस्ट रहती है और ऑफ रोडिंग, और क्योंकि ये जो बाइक है भाई, लॉन्ग टूर हो गया, ऑफ रोड हो गया, क्योंकि यार देखो सेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए। बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 280mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 240mm का रियल डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। बाइक के अंदर इंजन में कोई भी इंजन कह रहा हूँ यार सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि आज एक राइड मारकर आया हो, तो उसकी भी वीडियो तुम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर है तो बनाना भी खैर ज़रूरी था। तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया डिस्क ब्रेक है, क्योंकि जैसे कि तुम लोग को पता है, जहाँ तक अभी तक मैंने इस तरीके से और क्लासिक के बारे में भी देखा है, तो ये वाला जो डिस्क ब्रेक सेटअप है ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके अंदर भी 280mm का आता है, इसमें भी 280mm का ही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। जो रियल डिस्क ब्रेक मिल रहा है वो आपको 240mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। बात करिए तो इस बाइक के जो टेल लाइट होगी वो आपको फुली LED टेल लाइट मिलने वाली है। वहीं पे इस बाइक के अंदर जो आपको कर्व वेट मिलेगा वो आपको मिलेगा 195 kg का कर्व वेट इस बाइक के अंदर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। मैं ये भी नहीं कहता बिल्कुल हैवी है, मैं ये भी नहीं कहता बिल्कुल हल्की है, क्योंकि ऑफ रोडिंग जो बाइक होती है उनकी वो थोड़ी सी भारी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा भारी बाइक होगी उतनी ज़्यादा वो ग्रिप अच्छी बना के चलेगी वो जो बाइक्स होती है। बात करिए तो इस बाइक का जो आपको कर्व वेट मिलेगा वो 195 kg कर्व वेट मिलेगा, और इस बाइक का जो आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको 14 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक काफ़ी अच्छा पेट्रोल टैंक है, देखा जाता है, और ऑन रोड मतलब अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पे लेके जाओ तो बड़े आराम से 500-600 किलोमीटर तो फुल पेट्रोल पे चली जाएगी। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि आप इसको किस तरीके से मेंटेन करके चलाते हो। अगर आप खींचते जा रहे हो 70, 80, 90 या 100, 110 में, तो फिर तो माइलेज कहाँ मिलने वाला है। और बात करी जाए तो इस बाइक की विड्थ मिलेगी वो आपको 790mm की विड्थ मिलेगी, और इस बाइक की जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1090mm की आपको इस बाइक के अंदर हाइट मिल जाएगी। ये जो हाइट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाइट बाइक की हाइट है, भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस, जैसे कि मैंने अभी हाल फिलहाल में कमेंट पढ़ा था कि ग्राउंड क्लीयरेंस यार 170mm होता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन दोस्तों 170mm नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 140mm भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस है। ये है कि हाँ 170 होता तो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि शॉकर जितने ज़्यादा ऊपर रहते हैं, जितने ज़्यादा ऊँचे रहते हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस जितने ज़्यादा अच्छी रहती है उतनी ही ज़्यादा बाइक का माइलेज, और बाइक जो होती है वो उतनी हल्की रहती है शॉकर जितने ऊपर रहने से। बात करिए तो इस बाइक का जो अगर मैं देखा जाए तो लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 2160mm की आपको इस बाइक के अंदर लेंथ मिल जाएगी, और इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1390mm का व्हील बेस इस बाइक में मिल जाएगा। देखो व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हील बेस में भी, क्योंकि बाइक में कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मेरे को जितनी भी चीज़ें लगी इस बाइक में, क्योंकि व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बाइक के लिए, चाहे मैं मैक्योर की बात नहीं कर रहा, कोई भी बाइक से उसके लिए व्हील बेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा व्हील बेस बाइक के अंदर मिलता है उतना ही जो बाइक है वो रोड पे पकड़ के चलती है, ग्रिप अच्छी पकड़ के चलती है। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, वहीं पर इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी, क्योंकि लोग क्या करते थे यार, आपको पता है क्लासिक लेके जाते थे या दूसरी बाइक लेके जाते थे, उसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम होती थी कि भाई या ट्यूब वाला टायर है तो ट्यूब वाले टायर में दिक्कत है। तो अब आज जो ट्यूबलेस टायर आ गया तो उसमें अब कोई टेंशन नहीं है जितना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये है रेडियल टायर, क्योंकि तुम लोगों को पता है रेडियल टायर के अंदर एक खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जितना ज़्यादा गर्म टायर होता है उतना ही अच्छी ग्रिप पकड़ के चलता है ये जो रेडियल टायर होता है। और बात करी जाए तो इस बाइक का जो व्हील साइज़ मिलेगा वो मिलेगा आपको 482.6mm का फ्रंट व्हील साइज़ मिलेगा, और जो रियल व्हील साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 457.2mm का रियल व्हील साइज़ मिल जाएगा। यानी जो फ्रंट व्हील है वो आपको बड़ा मिलने वाला है, रियल व्हील है तो वो आपको छोटा छोटा मिलेगा। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको टॉर्क बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत अच्छी टॉर्क होती है, जितना व्हील छोटा होता है फ्रंट टायर के हिसाब से उतनी टॉर्क अच्छी होती है। और फ्रंट व्हील का साइज़ अगर आपको छोटा भी मिल रहा है
तो इसके अंदर एक चीज़ भी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जो आपको वो मिलेगा मतलब हैंडलिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मीठी मिले, यानी आपका जो शोल्डर होगा वो एकदम एक एल शेप की तरह बनेगा। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इस बाइक को लेके। बात कर जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो 90x90 का फ्रंट टायर मिलेगा, जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100x10x90 का आपको रियल टायर मिल जाएगा। रियल टायर भी काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं शॉकर्स के ऊपर, तो देखो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको रियल में फाइव टाइम एडजस्टेबल आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाएगा। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग बाइक के लिए मोनोशॉकर जहाँ तक मेरा मानना कि यार वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में क्या होता है, कल को अगर आपका एक शॉकर लीक हो जाता है, ठीक है, डुअल शॉकर में ये फ़ायदा होता है, एक शॉकर लीक हो गया तो आप एक शॉकर से काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बाइक को मेंटेन करके चला सकते हो, बहुत आराम से आप उसको चला सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे एक भी शॉकर लीक हुआ तो, या नहीं मोनोशॉकर में लीक हुआ तो वो प्रॉब्लम, आपकी बाइक बिल्कुल बैठ गई, ना आप इसको इधर ले जा सकते ना उधर ले जा सकते, तो वहाँ पे थोड़ी सी रहती है। लेकिन यार कंपनी, हर कंपनी अपने दिमाग से चलती है, तो वो तो एक अलग ही लेवल रहता भी है। तो इसके अंदर तो मुझे क्या डुअल शॉकर लगे, तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाह रहा था कि रॉयल एनफील्ड अपनी किसी भी बाइक में मोनोशॉकर सस्पेंशन से, क्योंकि देखा जाए तो यार जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती है उसमें क्या होता है, प्रॉपर लोहे का इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रॉपर लोहे का इस्तेमाल होता है, वो उसकी वजह से क्या होता है, भारी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ में ना जो डुअल शॉकर है, स्प्रिंग लोडिंग जो सस्पेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, हल्के भी नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस है वो जो चीज़ है। बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, वहीं पे इस बाइक के अंदर अब हम बात करते हैं इंजन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बाइक को लेके। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको 346 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 Fi आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी आपको 20.7 PS एट द रेट 5250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकाल के देखिए 28 Nm एट द रेट 4000 RPM पर। BS6 ये बाइक होने वाली, 70mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा वो आपको 90mm का इस बाइक के अंदर स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी। और रही बात है टू वॉल, तो इस बाइक के अंदर आपको दोस्तों टू वॉल्स मिलेंगे, ये जो वॉल होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपने काफ़ी ज़्यादा टाइम से इस इंजन को यूज़ कर रहा है, और आज तक मैंने कभी भी बहुत कम टाइम पर ये चीज़ सुनी है कि रॉयल एनफील्ड का इंजन रास्ते में ख़राब हो गया, रास्ते में बंद हो गया, ऐसा वैसा कुछ। बात करिए तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप भाई कोई भी पेट्रोल ले लो, अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड के लिए रख रहे हो, जैसे एक होता है यार हाँ हमने एक रॉयल एनफील्ड ले लिया उसको हम लॉन्ग राइड के लिए रख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ। लेकिन अगर आप इसको सिटी भी यूज़ के लिए चला रहे हो, लॉन्ग राइड के लिए भी चला रहे हो, तो फिर भाई इस बाइक के अंदर आप स्पीड का तो फिर इसके अंदर आप नॉर्मल स्पीड का पेट्रोल, क्योंकि सिटी के लिए स्पीड का पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो आपके FI की लाइफ इंक्रीज़ करता है और आपके इंजन को भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रखता है। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको दोस्तों 5-speed का गियर बॉक्स आपको इस बाइक में मिल जाएगा, जो कि सही है, क्योंकि इसके जो रॉयल एनफील्ड का जो मेट्रो का गियर रेशियो पहले दूसरे का जो गियर रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर का जो रेशियो है ना वो बहुत अच्छा बना रखा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है उसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जितना फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली जगह पर फर्स्ट सेकंड गियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो होता है वो होता है इसका इस्तेमाल। अब आते हैं इसके मेन फीचर की, जो कि इसके प्राइसिंग, ठीक है, तो दोस्तों ये जो बाइक है अगर ये बाइक ऑन रोड 2,20,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है, तो इतने में ये बाइक में मुझे ऐसा लगता है कोई भी दिक्कत है, 1% की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये जो बाइक है ये पहुंच गई ज़्यादा, जैसे कि मान लो 2,25,000, 2,30,000, 2,45,000 तक पहुंच गई, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तब नहीं रहनी, फिर तो आप होंडा की तरफ चले जाओ, अगर मेरे देखो रियलिटी में बात है तो फिर आप होंडा की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर ये जो बाइक है 2,20,000 ऑन रोड जाती है ऑल ओवर इंडिया, मैं कभी भी सिंगल जगह की बात नहीं करता कि हाँ भाई नोएडा दिल्ली या इधर उधर कहीं की भी, सीधी मैं बात करता हूँ कि भाई जितनी भी जगह पे है ये आपको ऑन रोड मिलनी चाहिए। अगर ऑन रोड आपको ये भाई कितने प्राइस में मिल गया, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला। और रॉयल एनफील्ड की तो बाइक वैसे भी बहुत जल्दी बिकती है, मेरे को तो यार जहाँ तक है आँखें बंद करके कहते हैं भाई बुलेट या रॉयल क्लास, ये इन्हीं दोनों में तो लोग आँखें बंद करके पहुँचते हैं बाइक को लेने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर मीटर कंसोल, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आ रही है, इसके जो डिजिटल मीटर कंसोल होगा उसके अंदर आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और नेविगेशन मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्ड का मतलब कॉल रिकॉर्ड नहीं, कॉल दिखा देगा किसकी कॉल आ रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी क्या इसके अंदर हर एक चीज़ का यूज़ कर रही है जो चीज़। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रॉयल एनफील्ड अपनी हर बाइक में देने लग गया है, जो कि है कंपास, तो देखो कंपास भी आपको इस बाइक में मिल जाएगा। जहाँ तक आजकल यार गूगल का ज़माना है, तो चलो ठीक है कंपनी कंपास दे रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कंपास आजकल फ़ोन में भी अवेलेबल है, तो चलो कंपास आ रहा है वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि कौन सा वो बाइक की बैटरी कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं खाने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात कर जाए तो नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ तक मेरे पास अभी तक न्यूज़ आ रही है, इस बाइक के अंदर आपको ABS ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है इस बाइक में अंदर, तो मेरे हिसाब से भाई इस बाइक को लेने में ही बहुत बड़ा फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि ये जो बाइक है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ABS ऑन ऑफ, क्योंकि जहाँ पे भी हम अगर ऑफ रोड करते हैं इस बाइक को लेके, तो ABS ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बाइक के लिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ABS की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन रोड हो गया, हाईवेज हो गया, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इधर यूज़ करने का मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई भी इसका मतलब होगा। तो चलो यार अभी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो भर भर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि मैं वीडियो में बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो यही चीज़ थी। तो